रतलाम जिले में अवैध शराब सट्टा जुआ अवैध हथियार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आदि के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने हेतु जिले में धरपकड़ हेतु एक माह का विशेष अभियान चलाया गया है। वहीं पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में कालूखेड़ा पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। थाना कालूखेड़ा पर मुखबिर से सूचना मिली कि सोनू उर्फ आलू पिता शंभू लाल बादशाह निवासी ग्राम चिकलाना बादशाह डेरा ने अभी अपने मकान के पास बनी झोपड़ी में महुए के हाथ भट्टी की कच्ची शराब निकालकर दो प्लास्टिक की केन में भरकर रखी है, जो फुटकर लोगों को बेच रहा है। सूचना की तस्दीक उपरांत थाना प्रभारी कालूखेड़ा द्वारा उपस्थित बल के साथ आरोपी के घर की घेराबंदी का दबिश दी। दबिश में आरोपी के घर से कुल 65 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी की शराब जब्त की गई है। मामला प्रकाश में आया, क्या मामला सर? पूरा दबिश भट्टी संबंधित 1 अप्रैल से अवैध मादक पदार्थ अवैध शराब के खिलाफ अभियान रतलाम जिले में श्रीमान एसपी साहब गुरुद्वार साहब नेतृत्व में चलाया जा रहा है। उसी धातम में कल ग्राम चिकलाना में सोनू उर्फ पिता शंभूलाल बाछड़ा निवासी चिकलाना के घर पर दबिश देकर करीब 65 लीटर हाथ भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब को जब्त किया गया था। वह शराब बताने के उपकरण भी जब्त किया गया था। सर, लगभग कितने आरोपी इसमें लगाए गए? इसमें एक आरोपी है, पूरी घर पर हाथ भट्टी की शराब निकालता था महिला। इस तरह के मामले सर शराब के आए दिन सामने आते हैं, इसमें पुलिस प्रशासन क्या सख्ती बरतेगा या इनके क्या अंकुश लगाने के लिए आगे कार्रवाई? लगातार क्षेत्र में इस प्रकार की जहाँ भी सूचनाएँ मिल रही हैं वहाँ दबिश दी जा रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की।